गुड मॉर्निंग चर्च फैमिली, आई एम कैथरीन एंड आई विश यू अ वेरी ग्रेट संडे। कई बार हमारे जीवन में हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, अब हम थक गए हैं, हमें ताकत नहीं है। पर बाइबल कहती है, दे हु वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। आज हम इसी बात की और गहराई में सीखने जा रहे हैं, पर इसके पहले कि हम वचन में जाए, आप आराधना। It is important that you offer your life as a sacrifice to God. You offer your life as a sacrifice to God. What does that mean? What does that mean? How can you sacrifice your life? It is just by seeking the presence of the Lord. It is just by seeking the presence of the Lord. You need to understand that without God, your existence is nil. There can be nothing living in you if there is no God in you. You know what? People perish because of lack of understanding. And what is this lack of understanding? It is not knowing God. I ask you guys, I ask you dear people, seek the presence of the Lord.
Seek the presence of the Lord. Don't you put your trust on your experiences. But let your presence, let the presence of God become your experience. Let the presence of God become your teacher. The world can give you lots and lots of explanations. The world can give you lots and lots of experiences. They can be hard, they can be good. But know one thing. Jesus can build you. Jesus can heal you. Jesus can sustain you. Jesus can make you live. Hallelujah. And living is only to live in Christ, to live in the presence of God. Yes, absolutely. Can we just sing this chorus once again? Yes. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Praise the Lord. Praise the Lord. Hi, praise the Lord. Prabhu Yeshu Masih ke naam mein main aapka swagat karta hoon. आज हम देखेंगे जीवन की उन कमज़ोर आदतों पर, वो चीज़ें जिसमें मनुष्य स्ट्रगल करता रहता है. बाहर से तो वो दिखने नहीं देता है मगर अंदर उसकी लड़ाई चलती रहती है. वो कमज़ोरियाँ, वे हैबिचुअल सिन, इन सारी चीज़ों पर हम कैसे जय पाए. पर मैं आपको एक बात कहना चाहता, इन बातों को अपने अंदर अंदर छिपा कर रखने की सफलता को सफलता मत समझो, मगर उसे जड़ से उखड़ जाने के लिए काम होने दो, जड़ से खत्म हो जाने के लिए काम होने दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. पता है पाप जो है ना, बाइबल का वचन कहता है, रोमियो की किताब में लिखा है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, उसकी लालसा तुम से लगी रहती है. जब परमेश्वर ने बात किया कैन से, तो कैन से कहा कि देख वो द्वार पे खड़ा रहता है और उसकी लालसा तुझ से लगी रहती है. क्या है उसकी लालसा? कि वो आपके नश्वर शरीर पर राज्य करे. पाप जो आता है वो प्लेजर देने के लिए नहीं आता, मज़ा देने के लिए नहीं आता. हाँ, शुरुआत में मज़ा ज़रूर आता है, मगर वो पाप आता है हमारी देह पर कब्जा लेने के लिए. और उसका अंत फल हम जानते, याकूब की पत्री में लिखा है, उसका अंत फल जो है वो मृत्यु है, क्योंकि पाप जब बहुत बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को लेकर आता है. सो पाप का लक्ष्य है वो आप पर राज्य करे और राज्य कर आपको मृत्यु के वश में लेकर जाए, ये उसका लक्ष्य है. पाप जब आता है तो पाप के विषय में ये बात जानना, वो आता है और वो आपके शरीर से ज़्यादा ताकतवर होता है. आपके शरीर से पाप का बल ज़्यादा है. मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर से उसका बल ज़्यादा है, मगर मैं कह रहा आपकी देह से उसका बल ज़्यादा है. मालूम क्यों? क्योंकि देह के बल से हम पाप से छूट नहीं सकते, वो अपने आप से उसके ऊपर कब्जा ले लेता है. छूटना चाहता है इंसान मगर छूट नहीं पाता है. नंबर टू, पाप जो है वो इतने करीब आ जाता है जितना करीब कोई भी नहीं होता, ना माँ बाप, ना घर परिवार के कोई इतना करीब नहीं होता जितना ये गुप्त पाप, गुप्त आदतें, गुप्त स्वभाव हमारे पास में घुस जाते हैं एकदम करीब. और तीसरा, जब वो करीब घुस जाते हैं और हम उसको छिपा के रखते हैं, लोगों को दिखने नहीं देते, मगर उसे ख़त्म होने के लिए कुछ नहीं करते,
उसके साथ व्यवहार नहीं करते, मगर उसे अपने अंदर छिप कर पलने देते हैं, तब वो हमारे एहसासों में, हमारे फीलिंग्स में, डिज़ायर्स में कब्जा लेना शुरू करता है। सिंपल सिंपल सी चीज़ों में आपके अंदर वो फीलिंग्स आते हैं, आपके सेंसेस पर वो कब्जा लेता है। इसलिए बाइबल का वचन ये बताता है, अपने सेंसेस को शार्प करो। इसलिए बाइबल का वचन बताता है, अपने सेंसेस में परमेश्वर के कामों को होने दो। क्यों? क्योंकि पाप जो है, जब नश्वर शरीर में राज्य करने के लिए आता है, तो हमारे सेंसेस पर कब्जा लेता है। फिर सिंपल सिंपल छोटी सी चीज में, चाहे चर्च में किसी को हाथ मिला के प्रेज द लॉर्ड बोले तो भी फीलिंग्स अजीब से टाइप के बदल जाते हैं। किसी को देखे तो अंदर अलग से फीलिंग्स होते गए, क्योंकि फीलिंग्स में वो कब्जा लेता है। मगर जब ऐसी सारी आदतों से इंसान भरता और बसता चला जाता है, तो इसके ऊपर वो कैसे जय को हासिल करे? ऐसी आदतों से, मुझे पता है पास्टर मैं किन नजरों से देखता हूं, मुझे पता है पास्टर मैं कुछ चीजें बोलता हूं तो उसके आड़ में क्या है, मुझे पता है मेरे दिल के भीतर कौन सी कड़वाहट पलती है, मुझे पता है मेरा जीवन अंदर से कैसा है, मगर मैं बाहर से अच्छा सुंदर लेवल लगाकर लोगों को दिखने नहीं देता, मगर मेरे अंदर मैं कौन हूं मैं अपने आप को जानता हूं। मैं आपसे कहना चाहता, प्लीज सुनो, बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, एक भाग, जब एक सेंचुरियन के घर पर यीशु मसीह बुलाया गया क्योंकि उसका नौकर बीमार पड़ा था, तो उसने बड़े अधिकारियों को, मंदिर के बड़े अधिकारियों को बोला, जाओ जाकर यीशु मसीह को बुला कर लेकर आओ। वे लोग आकर यीशु मसीह से कहते गए, यीशु उस सेंचुरियन के घर जाना चाहिए क्योंकि उसने आराधनालय को बना के दिया है, मंदिर को बना के दिया है। यीशु, हम आपसे विनती करते, चल क्योंकि वो व्यक्ति योग्य है। तब थोड़े समय के बाद यही सूबेदार अपने अपने नौकरों को बेचता है, अपने मित्र को बेचता है, और ये कहता है, यीशु मसीह से कहना मेरे घर तू मत आ क्योंकि मैं योग्य नहीं। अब मेरा सवाल है, सूबेदार खुद कहता है मैं योग्य नहीं, और बाकी जो है अगवे लीडर्स चर्च के, वे कहते हैं वो आदमी योग्य है, दोनों में कौन सच कह रहा है? बाहर के लोग सच कह रहे हैं या वो व्यक्ति जो अपने आप को जानता है वो सच कह रहा है? जब मैं उस भाग को पढ़ता हूं, मुझे दिखाई देता है सूबेदार खुद अपने आप के बारे में सच कह रहा है। जब यीशु मसीह करीब आने लगा, वो अपने आप को देखने लगा, जो भी रीजन होगा, जो भी कारण होगा, मगर वो एक बात जान गया, मैं योग्य नहीं, और उसकी गवाही उसके प्रति सच्ची है। मैं आपको बताऊं, कितने बहुत तेरे हैं जो चर्च में आते गए, आराधना में आते गए, दुआ प्रार्थना में आते गए, सारे रिवाजों को पूरा कर रहे हैं, मगर डीप डाउन अपने अंदर जानते हैं मैं योग्य नहीं। डीप डाउन अपने अंदर जानते हैं मुझ में क्या गुप्त बातें पलती है, मेरे स्वभाव में कोने में कहां क्या चीजें पलती है, किस एरिया में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, किन बातों के लिए 31 दिसंबर को परमेश्वर से वादा करता हूं मगर हर साल टिकने नहीं पाता हूं, वादा तोड़ देता हूं, कहता हूं इस वर्ष वो पाप नहीं करूंगा, इस साल अब मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, मगर मैं ज्यादा लंबा चल नहीं पाता, वापस उसमें गिर जाता हूं। उन कमजोरियों के विषय में आज मैं बात करना चाहता और कहना चाहता, इन पर हम कैसे जय को हासिल करें? सुनो मेरे भाइयों, सुनो, यदि आप ऐसे लाइफ के एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, आज परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बहुतायत से बसने दो। वो वचन जो गूदे गूदे को चीरता हुआ अंदर आता है और सब कुछ अंदर का बदल देता है, आज ये वही वचन है। मैंने आपके लिए प्रार्थना किया और मैंने कहा, पापा हम सब जब आपके वचन में से सीख रहे हैं पिता, सो हम में वो बातें जो आपसे मेल नहीं खाती है, हम में वो बातें जो आपके स्वभाव से मेल नहीं खाती है और हमको खुद को अंदर ही अंदर परेशान करती है, निशाने पर दौड़ने से हमें रोकती है, हम बड़े अच्छे से दौड़ना चाहते हैं मगर वो हमें रोक देती है, वो बातें जो हमारी तेजी को धीमा कर देती है, उन बातों पर हमें जय हासिल करना है। मगर कैसे हासिल करें, क्या करें? बाइबल का वचन ने कहता है, परमेश्वर कहता पौलुस कहता है गलीलियों से, गलीशियंस के लोगों से, कि तुम बहुत अच्छा दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया?
वो कौन सी बातें हैं जो तुम्हें रोकती है? गैलेशियंस को तो एक अलग टीचिंग ने रोक दिया, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास चर्च में अच्छे टीचिंग्स हैं, आपके पास अच्छे अगवे हैं, आपके पास सारा वातावरण अच्छा है, घर में प्रार्थनाएं चलती होगी, मसीह परिवार में है, हर दिन परिवार एक साथ बैठ के प्रार्थना दुआ करते हैं, क्रिश्चियन फैमिली में है तो रोज बाइबल पढ़ते हैं, ये सारी चीजें तो चल रही है, मगर स्टिल यदि कोई स्ट्रगल आपके अंदर किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर चल रहा है और आप परेशान हैं आपके उस स्वभाव से, उस कमजोरी से, तो आज का वचन आपके लिए है। और मैं विश्वास करता परमेश्वर का आत्मा जब ये वचन आ रहा है हमारे जीवन में छुटकारा लेकर आएगा और अद्भुत काम करेगा। सुनो ध्यान से, हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब इसका 12वां अध्याय का पहला वचन। धीरे धीरे हम सीखते हुए देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर का क्या रिक्वायरमेंट है। इब्रानी की किताब 12वां अध्याय का पहला वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। हाँ, देखो कहां पर है, गवाहों का बड़ा बादल है। इसका मतलब ऐसे माहौल में तुम हो जहां पर गवाहियां हैं परमेश्वर के अद्भुत कामों की, विक्ट्री के, जय के, दुष्ट के ऊपर जय लेने की गवाहियां लोगों की आप सुनते रहते हैं। मगर बाइबल का वचन कहता है जब ये सारे टेस्टिमनीज को तुम सुनते हो तो क्या करना है, हमको घेरे हुए हैं। हाँ, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। अच्छा, दौड़ रहे थे, किसने तुमको रोक दिया? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। और उलझाने वाले पाप को दूर करके। मैं थोड़ा सा ध्यान आपका वहां ले जाना चाहता हूं, दूर करके। उलझाने वाले पापों को दूर करो, रोकने वाली वस्तु को दूर करो। अरे पर दूर होता नहीं है ना, हम सारी कोशिशें कर रहे हैं पास्टर, हम अपने अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, निर्णय लेते हैं, सब कर रहे हैं, दूर नहीं हो रहा है। आदतें लग गई है शरीर में, जीवन में, और वो आदतों से बाहर नहीं निकलने पा रहे हैं। मगर बाइबल का वचन कहता, सुनो ना, ऐसे पापों को उलझाने वाले दूर करो। तो सवाल है कैसे दूर करें। और जगहों में देखो इसके बारे में लिखा है, पढ़ेंगे दूसरा कुरंथियों इसका 7वां अध्याय का पहला वचन। दूसरा कुरंथियों 7वां अध्याय का पहला वचन देखो क्या कहता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:22। देखो क्या लिखा है, अतः हे प्रियो जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, आपको दिख रहा कौन से लोग है, गवाहों के बादल से घेरे हुए लोग, प्रतिज्ञा पाए हुए लोग। कहता जबकि हमको ये प्रतिज्ञा मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। तो आओ हम अपने आप को शरीर की सारी मलिनता से शुद्ध करें। कैसे करें, सवाल घूम के वही आता है कि वचन कहता है शुद्ध करो। तुम्हारे पास में गवाहों का बादल है, तुम्हारे पास में सारी चीजें हैं, मगर वचन कहता मलिनता को शुद्ध करें। पढ़ेंगे आगे, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हर जगह में परमेश्वर जब किसी चीज के विषय में करने के लिए कहता है तो कैसा करना उसका सोल्यूशन वहां पर देता है। प्रभु ये कह रहा है सुनो, जब उलझाने वाले पाप है तो क्या करना है। प्रभु ये कह रहा है जब ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में चल रही है तो क्या करना है। नंबर 1, परमेश्वर का भय रखते हुए आगे बढ़ना है। देखो कुछ बातें मैं बिल्ड करते हुए आपको आगे लेकर जाना चाहता, मगर ये वचनों को पढ़ ले हम और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। इफिसियों 4:22 वचन हम पढ़ेंगे। देखो बाइबल का वचन क्या कहता है, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हाँ, देखो क्या कहता है, तुम पुराने मनुष्यत्व को जो भरमानी वाली बातों से प्रभावित हो जाता है। फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। हाँ, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को
जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता चला जाता है, उतार डालो, उतार डालो, तुम उतार डालो, तुम दूर करो, तुम करो। सुनो, रोमियो की पत्री 6:12 हम वचन से सीख रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको वचन पढ़ा पढ़ा के, मैं बिना पढ़ाए भी आपको ले जा सकता हूं, मगर मैं आपसे कह रखा बार बार बाइबल कहती है इसको करो, इसको दूर करो। इसका मतलब क्या कह रहा प्रभु मालूम? उसको छिपा के मत रख अंदर, समाज से, लोगों से, दुनिया से छिपा के मत रख बेटा, उसको दूर करने के लिए कुछ कर। क्या करना है बताएंगे, पढ़े। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आप समझ रखे, कुछ करो कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे और तुम पाप की लालसाओं के अधीन रहो। पाप आपके अंदर डिमांड करता रहेगा और आप अधीनता में उसकी मर्जी पूरा करते रहोगे। प्रभु कहता ऐसा जीवन मत जियो बेटा, गवाहों का बादल है, सारा माहौल तुम्हारे पास में है, इसलिए अपने अंदर कुछ करने के लिए समर्पण करो। वो गुप्त भाग को खोलो जो यीशु मरे हुए लाजर को जिला सकता है, जो यीशु खुद जी उठने के बाद कब्र का पत्थर हटा सकता है, वही यीशु लाजर के कब्र का पत्थर भी हटा सकता था, मगर उसने उन लोगों से कहा जिन्होंने पत्थर डाला था, तुम पत्थर हटाओ, क्योंकि चिन्ह की रीति पर प्रभु ये कह रखा था जिसको तुमने ढाक के रखा है उसको तुम खोल दो, जीवन मैं लेकर आऊंगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने जीवन की गुप्त आदतों को अपने परमेश्वर बाप के सामने खोल दो। ये डेंजर है, ये डरावना है, ये राज्य करना चाहता है, ये गुप्त पाप आपके जीवन पर राज्य करना चाहता है, ये मृत्यु लेकर आना चाहता है, तबाही लेकर आना चाहता है। और देखो क्या करना चाहता, मैं आपको बताऊंगा। पहला पढ़ लेंगे 1 पत्रस 2:11, उसके बाद में हम पढ़ेंगे उसी 2:11 भी, 1 पत्रस 2:11। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, सब प्रकार का बैर भाव और छल और छल और कपट और कपट और डाह और डाह और निंदा को दूर करके दूर करो। छल, कपट, डाह, निंदा दूर करो। ये बार बार कह रखा इन चीजों को हटा दो, इन चीजों को दूर करो। और मैं आपको बताऊं, जब हम इन बातों के विषय में सोचते हैं तो अंत फल मन कहता है मैं भी तो हटाना चाहता हूं मगर हो नहीं रहा है, मैं भी तो नहीं करना चाहता, किसी के प्रति नफरत पाल के नहीं रखना चाहता मगर माहौल ही ऐसा बन जाता कि नफरत हो जाता है, मैं किसी के लिए बुराई नहीं बोलना चाहता हूं मगर माहौल ही ऐसा बन जाता कि फिर मुंह से बुरे शब्द निकलने लगते हैं, मैं चोरी नहीं करना चाहता हूं मगर किसी का कुछ दिख कर लालच ऐसा अंदर से उभर के आता है कि चोरी करने का मन हो जाता है, मैं इन आदतों से निकलना चाहता हूं, मैं गालियां बकना नहीं चाहता हूं मगर पता नहीं जब क्रोध भड़क जाता है तो मुंह से अपने आप गालियां निकलने लगती है, ये मेरे स्वभाव में कुछ होता चला जा रहा है। और बाइबल का वचन कहता है इनको दूर करो, और मैं कहता हां मैं भी तो दूर करना चाहता हूं मगर दूर हो नहीं रहा है। और इसका प्रभाव देखो कि बाइबल का वचन क्या कहता है, 11 पढ़ लेंगे पहले। हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आत्मा से युद्ध करती है, आप सुनो कहां जा रहा है मैटर, ये सारी चीजें गुप्त आदतें, गुप्त पाप, ये पाप आपके नश्वर शरीर में राज्य करते हुए आपके आत्मा से युद्ध करता रहता है, आपके आत्मा के साथ अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, आत्मा का एक स्ट्रगल अंदर चलता रहता है, आत्मा इस देह में है। 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा के रहने का घर है।
यहां परमेश्वर का आत्मा रखना चाहिए, मगर यहां पर ईर्ष्या, जलन, मलिनता, शरीर के सारे गंदे काम, गंदी कल्पनाएं, सारी बुराइयां, गुप्त पाप जब इस नश्वर शरीर में राज्य करता है, तो ये सारा का सारा मिलकर मेरे आत्मा के विरुद्ध में लड़ाई करता है। और क्या करता मालूम, लड़ाई क्यों करता है, उसका मकसद क्या है लड़ाई करने का। गलतियों की पत्री इसके 5वें अध्याय के 17वें वचन में कुछ बातें थोड़ी सी खुलासा होती है। इस पाप जिसको हमने आने दिया और हम अपने माँ बाप से कहते हैं तुमने तो अपने दिनों में कर दिया, हमको बड़ा रोकते हो, हमको लगता है कि ये मजे का चीज हमारे माँ बाप हमसे दूर रखना चाहते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता, आपके माँ बाप आपसे इन चीजों को दूर इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उसके कड़वे सत्य को जान लिया है, उन्होंने उसकी पकड़ को देखा है, उन्होंने जान लिया कि ये पाप कितना बुरा चीज है, गंदा चीज है, ये शरीर में राज्य करने आता है और कैसे आपकी जिंदगी में आपके आत्मा से लड़ते हुए आपको निशाने से दूर रखना चाहता है। देखो क्या कहता है, पढ़ेंगे गलतियों 5वें अध्याय का 17वें वचन। गलतियों 5वें अध्याय का 17वें वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा। इंग्लिश में लिखा है दे फाइट अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के विरुद्ध में वो युद्ध करते रहते हैं। और क्या है आगे, और ये एक दूसरे के विरोधी है। हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इंग्लिश में क्या कहता मालूम, फ्लैश फाइट अगेंस्ट स्पिरिट सो दैट यू शुड नॉट डू व्हाट यू विश। आपका आत्मा जो करना चाहता है वो आपका आत्मा न कर सके। रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में लिखा है भीतरी मनुष्यत्व से, यानी आत्मा में भीतरी मनुष्यत्व से मैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं। रोमियो की पत्री 7वें अध्याय के 20वें वचन से आगे पौलुस से कहता है कि जो बातें मैं करना चाहता हूं, ये कौन है मैं, आत्मा, जो बातें मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, और जिन बातों से मुझे घृणा आती है मैं वही करता हूं। हाय मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूं, जिन बातों से घृणा आती है मैं वही करता हूं। हमारे आत्मा में एक दूसरी व्यवस्था है, और वो आत्मा में जो व्यवस्था है वो आत्मा उसमें प्रसन्न रहता है, वो परमेश्वर की व्यवस्था है, और हमारा आत्मा परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर की मर्जी, प्रभु की व्यवस्था में जीना चाहता है। मगर जब हमारे शरीर के अंगों में, वहां पर लिखा हुआ है रोमियो 7वें अध्याय में, परंतु मेरे शरीर के अंगों में एक दूसरी व्यवस्था है जो लड़ती रहती है। बाइबल का वचन कहता है शरीर के अंगों की व्यवस्था आत्मा की व्यवस्था में आत्मा के विरुद्ध लड़ाई करती रहती है। क्या मकसद है उसका, कि कैसे तैसे आत्मा जो हासिल करना चाहता है, आपका मेरा आत्मा जिन चीजों को पा लेना चाहता है, जो उसका लक्ष्य है, उसको वो पा ना सके, उसके डिजायर्स, उसकी इच्छा पूरी ना हो सके। क्या है आत्मा की इच्छा, जीयू या मरू उसी को खुश करने के लिए जीना चाहता हूं। क्या है आत्मा की इच्छा, कि ये देह वचन के चलाए चले। क्या है आत्मा की इच्छा, पवित्र आत्मा की संगति और पिता की संगति में तगड़ा और बलवंत हो। क्या है आत्मा की इच्छा, कि ये शरीर ज्योतिर्मय हो और ये परमेश्वर के रहने का घर बन जाए और पिता की मर्जी इसके द्वारा पूरी हो, और जब भी पिता मुझे देखे तो वो प्रसन्न होने पाए। ये है आत्मा की इच्छा। क्या है आत्मा की इच्छा, शरीर में का प्रेम खाली हो जाए और परमेश्वर का प्रेम भर जाए, शरीर में का विश्वास खाली हो जाए, परमेश्वर के आत्मा का विश्वास हमारे अंदर भर जाए, शारीरिक लालसाएं खत्म हो जाए, आत्मिक लालसाएं भर जाए, लुचपन, देह के काम, देह के सारी चीजें खत्म हो जाए, आत्मा के फलों से मनुष्य लद जाए। यह है आत्मा की इच्छा। मगर शरीर में जब यह पाप कर बास करता है तो आत्मा की इन लालसाओं को रोकने के लिए वो आत्मा के विरुद्ध में लड़ाई लड़ता है, एक युद्ध अंदर चलता रहता है, और उस युद्ध में जीतने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, उस युद्ध में जीतने के लिए हमें एक सहायक दिया गया है, और वो सहायक हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। लिसन टू मी, ध्यान से सुनो,
कैसे ये उलझाने वाले पापों को मैं दूर करूं, कैसे रोकने वाली बातों को मैं दूर करूं, कैसे जीवन के गुप्त आदतों पर मैं जय पाऊं पास्टर। नंबर वन सबसे पहला यीशु मसीह आया और पहला शब्द बोला मन फिराओ, मन फिराओ। मत्ती 5:17 में यीशु मसीह 4:17 में यीशु मसीह ने प्रचार जब आरंभ किया कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ पहुंचा है। मन फिराओ, रिपेंटेंस। मैं आपसे कहना चाहता आप दूर करने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ ये कहो फादर मैं पश्चाताप करता हूं, सच्चे दिल से मैं पश्चाताप करता हूं। उसी रोमियो की पत्री 7 अध्याय में यदि आप पढ़ोगे 23-24 वचन में तो कहता कैसा अभागा व्यक्ति मैं हूं, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ा सकता है, कौन मुझे ये मृत्यु की देह से स्वतंत्र कर सकता है। और तब आत्मा के तड़पन की पुकार को पिता ने सुन लिया, और जब पिता ने सुन लिया जान लिया मनुष्य छूटना चाहता है मगर वो छूट नहीं पा रहा, उसका आत्मा उसके देह के विरुद्ध में उसकी आत्मा की उस युद्ध लड़ते हुए पुकार रखा है एक सहायक को, कौन मुझे इसके वश से छुड़ा सकता है। क्या आपको पता है आपका आत्मा आपके अंदर तड़प कर पुकारता है, छुड़ाने वाले को पुकारता है। वो पाप में मजा नहीं लेता, शरीर मजा लेता रहता है, मगर आत्मा तड़प के कहता है कौन मुझे इससे छुड़ाएगा, कौन मुझे इससे छुड़ाएगा। और मैं आपको बताऊं परमेश्वर बाप ने आत्मा की पुकार को सुन लिया। बड़ा सुंदर चित्र है इसी का ओल्ड टेस्टमेंट में आप देखोगे तो, जैसे मिस्र और उसके अंदर गोशान ऐसे हमारी देह और उसके अंदर हमारा आत्मा। मिस्र में एक दूसरी व्यवस्था थी ऐसे हमारी देह में दूसरी व्यवस्था है, गोशान में परमेश्वर की व्यवस्था थी ऐसे हमारे आत्मा में परमेश्वर की व्यवस्था है। ध्यान से सुनना, मिस्रियों ने गोशान के लोगों को गुलाम बना दिया ऐसे हमारे देह ने हमारे आत्मा को कमजोर युद्ध लड़ते हुए उसको गुलाम बना दिया, उसको मृत्यु के वश में लेकर चला गया, मरी हुई अवस्था में लेकर चला गया हमारे आत्मा को। मगर सुनो ऐसे युद्ध में जैसे गोशान के लोगों ने कराहते हुए पुकारा कि हमारा छुड़ाने वाला कब आएगा, उन्होंने कराहते हुए पुकारा और बाइबल का वचन कहता परमेश्वर मूसा से मुलाकात लेकर कहा मुझे अपने लोगों के कराहने की आवाज सुनाई देती है। ऐसे हमारा आत्मा जब अंदर से कराहता है, हमारा आत्मा जब अंदर से रोता है तब परमेश्वर बाप उसके कराहने को सुनता है। मैं आपसे कहना चाहता आज आपके भीतर के करहाने को उसने सुन लिया है, उस गुप्त पापों पर जीवन की कमजोरियों पर जो दुनिया नहीं जानती है मगर अंदर एक करहाना उठता है, उसके लिए आंसू बहते गए, गलती करने के बाद हाय हाय करके आंसू बहते गए, उन रोने को प्रभु ने सुन लिया है। आपका आत्मा जो पुकार कर कह रहा कौन मुझे मृत्यु की देह से छुड़ा सकता है, जब प्रभु ने सुन लिया गोशान के लोगों के रोने को तो उसने मूसा से कहा मैं उतर आया हूं। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर उतर कर आया, न्यू टेस्टमेंट में उसने कहा मोसेस का आत्मा करा रखा है एक सहायक मैं भेजूंगा, मेरा आत्मा एक सहायक मैं भेजूंगा। उस सहायक के विषय में रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता नंबर 1 आपके लिए मदद उपलब्ध है, अपने आप पर आशा मत छोड़ देना। यदि नशे की बुरी आदतों में आप जीते हैं और छूट नहीं पा रहे अपने आप पे आशा मत छोड़ देना। मैंने कितने लोगों को सुना जहां लोग कहते पास्टर बड़ी छोटी उम्र से मैंने बीड़ी पकड़ लिया अब शायद मैं और बीड़ी हम दोनों एक साथ कब्रिस्तान जाएंगे। ये झूठ, ऐसे शब्द अपने मुख से अपने आप के लिए ना बोले। मैंने बड़ी अर्ली एज में वो महिला के साथ रिश्ता बना दिया और अब कई साल हो गए, मेरी पत्नी तो है मगर वो पराई स्त्री से भी मेरा रिश्ता है, अब तो शायद मरते तक रिश्ता नहीं टूटेगा। ऐसे शब्द मत बोलो अपने आप के लिए, पाप से रिश्ता नहीं टूटेगा ऐसे बुरे अंगीकार अपने मुख से अपने जीवन के लिए ना करो।
मगर आज मैं आपसे कहता एक सहायक है जो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, एक सहायक है जो मनोरथों को बदलना जानता है, मन के विचार और कल्पनाओं को बदलना जानता है। वो आपके स्वाद को बदल देगा, वो आपके टेस्ट को बदल देगा। अपने आप के लिए नेगेटिव बातें बोलना बंद करें और ये बोले मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, मेरा प्रभु मुझे छुड़ाएगा। यद्यपि मैं लड़ रहा हूं, मेरी आत्मा मेरी देहत से लड़ रहा है मगर कमजोर पड़ रहा, पर कोई बात नहीं, मैं जीत कर बाहर निकलूंगा। क्यों मालूम? क्योंकि एक सहायक है जिसके विषय में लिखा है वो मेरी देह में आकर रहता है। What I need to do, मुझे क्या करना है? Number one, repent, पश्चाताप करें, सच्चे दिल से उस एरिया के लिए पश्चाताप करें। लोगों से ना छुपाए, दुनिया से ना छुपाए, बोलने का यह मतलब नहीं कि उनको सबको बताओ, मैं जो कहना चाह रहा वो समझो। मैं ये कह रहा हूं कि उसको सफलता ना माने कि आप किस कोई नहीं जानता मैं ये पाप करता हूं, ना सुनो, वो सफलता नहीं है। सफलता क्या है? अपने पापों को मान लेना और कहना पापा मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। और मैं आपको बताऊं, वो रिपेंटेंस, वो क्षमा की प्रार्थना, वो अपने गुनाहों को मान लेना हाफ पूरा काम कंप्लीट कर देता है। वो गुनाहों को मानना परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए रिलीज होती है। अति शीघ्रता से मिलने वाला यहोवा परमेश्वर आपकी सहायता के लिए उतर आता है। देखो क्यों क्यों कह रहा मालूम? क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना में, यदि तू अपने अपराधों को मान ले तो परमेश्वर योग्य है तुझे उनसे छुड़ाने में। सुनो मेरी बात ध्यान से, मजाक में मत लो। मालूम डेंजर क्या है क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने का, पास्टर के बच्चे हो के पैदा होने का डेंजर क्या है मालूम? इससे पहले कि उद्धार का स्वाद चखे आपको सारे क्रिश्चियन रीति रिवाज मालूम चल जाते हैं। आपको मालूम है प्रार्थना कैसे करना क्योंकि आपने सुना है, आपको मालूम है बाइबल कैसे पढ़ना क्योंकि आपने सुना है। बालकपन से आप वचन सुन रहे हैं, आप पास्टर के बच्चे हैं ना, आपको प्रचार भी करना आ जाएगा बहुत ही बढ़िया पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि आपने आपके पापा को पॉइंट्स बनाता हुआ देखा। इसलिए मैं आपको बताऊं डेंजर क्या है, बहुत तेरे पास्टर के बच्चे हैं जिनको उद्धार का अनुभव नहीं है, बहुत तेरे मसीही परिवार के बच्चे हैं जिनको उद्धार का अनुभव नहीं मगर उनको चर्च के गेम सब आते हैं। सॉरी मुझे माफ करना, गेम वर्ड यूज कर रहा, मगर उनको मालूम है आराधना में कैसे हाथों को उठाकर आराधना करना, कैसे घुटने पर गिर के आराधना करना, कैसे भावुकता में होकर इमोशनल होकर चीजों को करना, उनको सब आता है। जब सब रो रहे तो उनको भी रोना आता है, उनको चर्च का लैंग्वेज पता है, दोस्तों के बीच का लैंग्वेज पता है, उनको सब पता है। मगर आज मैं कहना चाहता पास्टर के बच्चों से, आज मैं कहना चाहता हूं मसीही परिवार के बच्चों से, सुनो एक एनकाउंटर जरूरी है यीशु मसीह के साथ का, अपने जीवन के उन गुप्त पापों के लिए यीशु मसीह के सामने पछताना, क्षमा मांगना, पश्चाताप करना और कहना प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे माता पिता नहीं जानते, चर्च के लोग नहीं जानते, मैं हाथ रखकर बीमारों के लिए प्रार्थना भी करता हूं मगर मुझे पता है इन्हीं हाथों से मैं क्या गंदे काम करता हूं, मुझे पता है मैं क्या गंदा जीवन जीता हूं, मैं मुझे सारा चीजें मेरे जीवन के बारे में पता है मगर आज मैं कहता प्रभु यीशु तू मुझे जानता है और मैं भी तुझे जानता हूं, मुझे छुटकारा चाहिए। मैं कहता उस एरिया के लिए नंबर वन पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, नंबर टू उस एरिया के लिए प्रार्थना करना, जीवन के उस भाग के लिए क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये मुझमें से दूर हो जाना चाहिए, अब और इन बुराइयों में नहीं जीना चाहता, थक चुका हूं ये जीवन से, अब मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहता हूं। स्टार्ट प्रेइंग अबाउट दैट एरिया, कीप इट बिफोर योर गॉड, अपने पापा के सामने उसे रखो और कहो पापा ये गंदी कल्पनाएं मेरे अंदर लगातार आती है, पापा कोई नहीं जानता मुझ में क्या कल्पनाएं चलती है, मैं किसी स्त्री को देखता हूं तो मेरे अंदर क्या कल्पना चलती कोई नहीं जानता है, मगर आज मैं आपसे कहता पापा मैं इस भाग में कमजोर हूं, मुझे सहायता चाहिए,
मुझे सहायता चाहिए, सीरियस प्रेयर, रीति रिवाज की प्रार्थना नहीं। अपने बंद कमरे में जाओ, जहां पर आप पाप करते हो ना, किवाड़ों के पीछे, दरवाजे के पीछे छुप कर, माँ बाप भी नहीं देखते, कोई नहीं देखता, उसी स्थान में बैठकर कहो मुझे आज छुटकारा चाहिए। मैं आपसे कहता, यदि आपकी आंखें आपसे पाप करवाती है, उन आंखों पे हाथ रखकर प्रार्थना करके कहो इसे अपने लहू से धो दे। मैं तेरे वचन की घोषणा करता मेरे आंखों पे कि मेरी आंखें निर्मल है, ज्योतिर्मय है, और मेरा सारा शरीर ज्योतिर्मय है, इसलिए क्योंकि आज मैं पश्चाताप करके अपना जीवन तुझे देता हूं और तू ज्योति मुझ में आकर वास करता है। यीशु, मैं तुझसे विनती करता हूं, आके मेरे आंखों में वास कर। यदि आपके हाथ पाप करते हैं, यदि आपके गुप्त अंग पाप करते हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें खुल के नहीं बोल सकता, मगर आप जानते हो आप क्या करते हो बंद कमरे में, इंटरनेट में, मीडिया में आप क्या करते हो आप जानते हो, मगर आज मैं आपसे कहना चाहता, ऐसी कुछ आदतों से आप घिस ग्रसित हो, फंसे हुए हो, उसके लिए प्रार्थना चालू करो, सीरियस प्रेयर, सीरियस प्रे, क्योंकि आज पश्चाताप करोगे कल वो आपके द्वार पर फिर खटखटाएगा, वही पाप आपको गिराने के लिए बार बार आएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपसे खुल के बात कर रहा। एक व्यक्ति बरसों बराबर चलने के बाद दोबारा गिरता है ना, वो उसी पाप में गिरता जिसमें वो कमजोर था पहले। यदि शराबी व्यक्ति होगा तो वो शराब में गिरेगा, व्यभिचारी होगा तो व्यभिचार में गिरेगा, क्योंकि दुष्ट उसी कमजोर भाग को आपके सामने हमेशा लाने की कोशिश करता कि उसमें वो आपको गिरा सके। मैं आपसे कहना चाहता, एक लगातार प्रार्थना जीवन, और प्रभु के उस एरिया के लिए प्रार्थना करो, प्रभु से कहो लॉर्ड आई नीड स्ट्रेंथ इन दिस एरिया। खोलो, खोलो उस कब्र के दरवाजे को, खोलो जिसके अंदर सड़ी हुई लाश और दुर्गंध है, अपने जीवन के अंदर के उस भाग को खोलो प्रभु के सामने और बोलो प्रभु से लॉर्ड ये एरिया है जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। कैन यू टॉक, क्या आप बात कर सकते हैं? मैं आपसे कहना चाहता अपने आप के बारे में, मैंने अपने अंगों के विषय में प्रभु से प्रार्थना किया है, मैंने अपने अंगों के लिए प्रभु से प्रार्थना की और कहा लॉर्ड इन अंगों से तेरे विरुद्ध पाप ना हो सके, लॉर्ड गिव मी अ क्लीन लाइफ। उस एरिया के विषय में प्रभु से बात करो। नंबर टू, जल्दी से सुनना, नंबर टू, बहुत बिगिनिंग में उसके साथ व्यवहार कर लो, बिगिनिंग में व्यवहार, शुरुआत में पाप के वर्किंग पैटर्न्स को आप समझो। देखो बाइबल का वचन क्या कहता है, कुछ वचन आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय का 15 वचन, याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय का 15 वचन, जहां याकूब हमको पाप के विषय में बताता है, कुछ बातों की ओर आपके ध्यान को वहां से लेकर जाना चाहता हूं। पढ़ेंगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। ओके, डिजायर जो है ना आपका मेरा, वो प्रेग्नेंट होता है, ये वचन कह रहा है, आपका मेरा डिजायर प्रेग्नेंट होता है और पाप को पैदा करता है। सुनो, पाप कैसे पैदा होता है, आपके डिजायर को प्रेगनेंसी होता है, कंसीव होता है। थोड़ा सा इसको समझना है तो उत्पत्ति तीसरे अध्याय में हवा और सर्प को की ओर ध्यान दो, क्योंकि पहला पाप वहीं से शुरू हुआ, और वो पहला पाप कैसे जन्म लिया, कैसे आया, मालूम कैसे आया, हवा का डिजायर प्रेग्नेंट हुआ, हवा का डिजायर गर्भवती हुआ, उसकी इच्छाएं, उसकी लालसाएं गर्भवती हुई और फिर पाप जन्म लिया। ये डिजायर गर्भवती कैसे हुई, देखो सर्प और हवा के बीच में क्या हो रहा है, सर्प और हवा के बीच में बातें हो रही है, बातचीत चल रही है, और सर्प अपने विचार हवा के मन में डाल रहा है, अपने थॉट्स उसके माइंड में डाल रहा। हवा बिगिनिंग में उसके थॉट्स को रिजेक्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी परमेश्वर के थॉट्स गए, वो कहती है नहीं, हम ये नहीं कह सकते, प्रभु ने ये मना किया है, ये सारी आप सारी स्टोरी को जानते, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाह रहा, मगर मैं आपके ध्यान को कहीं ले जा रहा, सुनो ध्यान से। बातचीत दुष्ट के साथ शुरू हो गई,
वो भूल गई, वो दुष्ट से बातचीत के लिए नहीं गए, वो दुष्ट के साथ चलने के लिए नहीं बनाई गई, वो दुष्ट के साथ समय बिताने के लिए नहीं बनाई गई, वो परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए बनाई गई, प्रभु के साथ साथ चलने के लिए बनाई गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने चाल चलन की ओर ध्यान दो, आप किधर आगे बढ़ रहे हो, आप किसके साथ समय बिता रहे हो, आपके रोजमर्रा का समय किसके साथ बीतता है। इधर एक तरफ आप युद्ध जीतना चाहते हो, मगर दूसरी तरफ दिन भर आपका समय किन बातों के साथ बीतता है, क्योंकि जिन बातों के साथ आपका समय बीतता है वो आपके लाइफ पर प्रभाव डालता चला जा रहा। आज मैं आपसे कहना चाहता, बुद्धिमानी से अपने जीवन का निर्वाह करें। बाइबल का वचन बताता है, जब आप अध्ययन करते हो, सर्प से बातें करते रही, और सर्प क्या कर रहा था मालूम, हवा के डिजायर को गर्भवती कर रहा था। कैसे कर रहा था मालूम, अपने थॉट्स उसके थॉट्स के साथ मिला रहा था। सुनना, गर्भवती होने के लिए दो लोग एक साथ आते हैं तब गर्भ धारण होता है। पाप का गर्भ कैसे धारण होता है, जब दुष्ट के विचार, उसकी थॉट्स, उसकी कल्पनाएं और हमारे थॉट्स दोनों मिल जाते हैं और हम उसके साथ सहमत हो जाते हैं, तब हमारे डिजायर प्रेग्नेंट होते हैं। नंबर वन स्टेज में डील करने के लिए, दूर करो, आओ उलझाने वाले पापों को दूर करें। कैसे दूर करना है मालूम, जिस पल आपके मन में दुष्ट की कल्पना आए उसी पल उसको डांट देना है, उसी पल अपना मुख खोलकर किसी की परवाह नहीं करना, क्योंकि लड़ाई अंदर शुरू हो गई है, आपकी आत्मा के विरुद्ध में बैटल बिगिन हो गया है। दुष्ट आपके देह पर कब्जा लेना चाहता है, नश्वर अंग पे कब्जा लेना चाहता है, पाप कब्जा लेना चाहता है। नंबर वन क्या करना है मालूम, जैसे मानो किसी स्त्री को देख लिया, मानो शराब को प्याले में उंडेलता हुआ देख लिया, मानो किसी की कोई चीज देख ली और चोरी का विचार मन में आ गया, मानो किसी ने बुरा व्यवहार किया और नफरत अंदर आने लग रहा है। नंबर वन पहला स्टेप आपको क्या करना है मालूम, डांट देना के मुंह खोल के। बाइबल का वचन कहता है उसका सामना करो और वो तेरे सामने से भाग जाएगा। सामना कैसे करना है, डांट देना है, कहना यीशु के नाम से मुझसे दूर हो, यीशु के नाम से ये विचार मुझ में से दूर हो। मैं आपसे कहता प्रैक्टिस करके देखो, बोल के देखो, आप देखोगे कैसे विक्ट्री हासिल होती है। क्यों मालूम, आपने उद्धार पा लिया है, आप प्रभु के उद्धार पाए हुए बेटे बेटियां हैं, आत्मा की सहायता आपके साथ में है, सहायक आपके साथ में है। और जब आप उठ कर कहते हो दूर हो मुझसे, यीशु के नाम से एक सामर्थ बहती है, वो सामर्थ आपके देह की नहीं है, वो सामर्थ जो सामर्थ्य आत्मा आपके अंदर है वो आपके शब्दों में सामर्थ डालता है। और जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ में कार्य करने लगता है। मैं आपसे कहता सुनो ध्यान से, बार बार उस एरिया के लिए बोलते जाओ। दुष्ट का टेंडेंसी है, वो बार बार आता है, यीशु मसीह के भी पास बार बार आता था वो उसका टेंडेंसी। आप भी भगाओगे आप जाएगा दोबारा फिर आएगा, अभी भगाओगे जाएगा दोबारा फिर आएगा, वो कोशिश करता रहता है। बट यू नो व्हाट, प्रभु का बच्चा इन पापों पर जय कैसे पाता है, वो अपना मुख खोलकर उसके विरुद्ध घोषणा करता है, उसके विरुद्ध वो उसको डांट कर भगाता है और कहता दुष्ट तू नरक में जाने के लिए है, मगर मेरे लिए तो अनंत काल का जीवन है। ये देखा मेरा पवित्र आत्मा के रखने का घर है, उन बुराइयों के रखने का घर नहीं है। अपने आप के लिए घोषणा करें, अपने आप के लिए बोले मुंह खोल कर बिगनिंग में। तो आप क्या करते हो मालूम, उसके विचार और आपके विचार मिलने नहीं देते, और क्योंकि वो मिलते नहीं है गर्भवती नहीं होता है, गर्भ धारण नहीं होता है, और क्योंकि पाप से गर्भ धारण नहीं होता, पाप जन्म नहीं लेता। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने के लिए इन चीजों को। सुनो, वही दूसरे भाग में यदि आप अपनी कल्पनाओं को पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की कल्पनाओं से मिलने दोगे, दुष्ट की कल्पनाओं को डांट दोगे, और परमेश्वर बाप के बोली हुई कल्पनाएं जो हमारे वचन में बाइबल में हमको मिलते हैं, जब उन कल्पनाओं को आप रिसीव करोगे, हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना इसका 5:18 हम पढ़ेंगे,
जब हम उन कल्पनाओं को रिसीव करते हैं और कहते हैं लॉर्ड मैं तेरे इस वचन को रिसीव करता हूं, आपके मेरे थॉट्स और आपके थॉट्स को मिलने देता हूं, तब मैं आपको बताऊं हम प्रेग्नेंट हो गए, मगर अब की बार पाप से नहीं वचन की सामर्थ से गर्भवती होंगे और वचन की देह पैदा होगी, परमेश्वर के अद्भुत कामों की योजनाएं पूरी होगी, आत्मा बलवंत होगा, तगड़ा होगा। और तब पहला कुरंतियों 9 अध्याय 27 वचन के अनुसार हम अपनी देह को मार कूट कर नियंत्रण में लेके आने पाएंगे। यही पौलुस जो रोमियो में कहता है कि मैं कैसा भागा हूं जो करना चाहता वो नहीं कर पाता, यही पौलुस पहला कुरंथी 9:27 में कहता अब मैं अपनी देह को मारता कूटता और नियंत्रण में लाता हूं। हुआ क्या है बीच में? पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गई है। आज मैं आपसे कहना चाहता टेक हेल्प, लो वो सहायक है, वो मदद करना चाहता है। वचन की घोषणा अपने जीवन पर लगातार करते जाओ, चुको मत उससे, युद्ध लड़ने के लिए आएगा उसको मिलने मत दो, अपने विचार को उसके विचार से लड़ते रहो उसके विरोध, और मैं कहता जय हमारी है, परमेश्वर ने हमारे लिए जय मुकरर किया। देखो पहला यूहन्ना इसका 5:18 देखो क्या कहता है, पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्या आप जानते हैं ये? वो कहता हम जानते हैं। मैं आपको पूछना चाहता आप जानते हैं? अच्छा जानते भी हैं तो कैसा जानते हैं? एक वचन लिखा गया ऐसा जानते हैं या अनुभव से जानते हैं या विश्वास से जानते हैं? ये वचन आप कैसा जानते हैं? आज पवित्र आत्मा से कहो मैं इसको पूरा पूरा जानना चाहता हूं और वैसा जानना चाहता हूं जैसा तू चाहता है कि मैं जान लूं, क्योंकि बहुत तेरे लोग प्रभु के वचन को जानते तो है मगर जैसा आत्मा चाहता है वैसा नहीं जानते। सुनो क्या कहता है, हम जानते तो है, पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ इसका मतलब नया जन्म पा लिया है, उत्पन्न हुआ है, वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। वाह, नाउ ये वचन क्या मेरे बाइबल में रखने के लिए है या ये वचन मेरे जीवन पर घोषणा करने के लिए और ये कहने के लिए है क्योंकि मैं नया जन्म पाया हुआ हूं। जब दुष्ट पाप लेकर आए, जब दुष्ट लालसाओं को लेकर आए, वही कमजोरियों को जिसमें आप गिरते थे आपके सामने लेकर आए हैं, तो कहना सुन मैं एक बात जानता हूं क्योंकि मैंने नया जन्म पा लिया है, क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है, मेरे बाइबल में लिखा गया मैं पाप नहीं करता, ये वचन की सच्चाई मुझ में बास करती है और ये वचन की ढाल लेकर मैं दुष्ट तेरे विरुद्ध खड़ा हूं। अपने जीवन के लिए ये वचन की हम घोषणा शुरू करें और कहें ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी रियलिटी है, मैं पाप नहीं करता, मेरे बाप के बोले हुए शब्द सच्चे हैं, मेरे पिता ने ये कहा है कि क्योंकि मैंने नया जन्म पाया है मैं पाप नहीं करता नहीं करता नहीं करता, ये मेरी सच्चाई है। मालूम जब आप इस वचन की घोषणा करने लगोगे तो क्या होगा, सुनो ध्यान से क्या होगा मालूम, वो स्वाद वो पाप के प्रति आपके अंदर से मिटने लगेगा, वो लालसा वो इच्छा वो डिजायर जड़ से उखड़ने लगेगी, आपके अंदर उसके प्रति फीलिंग्स मरने लगेंगे। जब आपने पाप को अपने अंदर छिपा के रखा तो पाप आपके फीलिंग्स और एहसासों में भर गया, अब पाप नहीं आप वचन को अपने अंदर बहुतायत से बसने देते हो, वो जो गुदे गुदे को चीरता हुआ जाता है, जब आप इसे बसने देते हो पवित्र आत्मा से कहते हो पवित्र आत्मा ये वचन की सामर्थ मुझ में बसने दे बसने दे, आप प्रार्थना करते हो प्रार्थना करते हो, तो क्या होता है मालूम, अब वो वचन अपना कब्जा आपके एहसासों में फीलिंग्स में डिजायर्स में कब्जा लेना शुरू करता है। यहां बाइबल का वचन कह रहा हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्यों नहीं करता, पढ़ो आगे, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हाँ। उसे वह बचाए रखता है, उसको परमेश्वर बचा के रखता है। वाओ हालेलुया, इसलिए बोला सालवेशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट। आपके डिसिप्लिन आपको बचाने नहीं पाएंगे, फैमिली के अनुशासन बचाने नहीं पाएंगे, चर्च के डिसिप्लिन की किताबें बचाने नहीं पाएगी, उद्धार
जिसमें यीशु को इनवाइट करते हैं हम, वो सालवेशन परमेश्वर आपके लिए कवच बन जाता है, वो खड़ा हो जाता है और वो आपसे कहता है, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, सुन, मैं तेरे लिए खड़ा हूं, मैं तुझको बचा के रखूंगा। इसलिए पहला तिसोनी इसके पांचवें अध्याय के 23वें वचन से आगे कहता, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारी प्राण में, आत्मा में, देह में, तीनों भाग में अपने आने के दिन तक तुम्हें पूरा पूरा और निर्दोष बनाए रखेगा। परमेश्वर है जो संभाल के रखेगा। क्या ये वचन पढ़ने के लिए है? क्या हम ये झूठ को माने क्योंकि मैं शरीर हूं ना तो गलती तो होती रहेगी, या मैं ये बिलीव करना शुरू करूं ना क्योंकि मेरे पापा ने कह दिया अब मैं पाप नहीं करता। आई वॉन्ट टू बिलीव ऑन दिस पार्ट, मुझे इस बात पर विश्वास करना है। हाँ, अंगों में हरकतें कुछ बिगनिंग में लग रही है, कुछ डिजायर उसके तरफ खिंचाव लग रखा है, कुछ मन में उसके प्रति लगन लग रही है, खत्म हो जाएगा क्योंकि अब वचन कब्जा लेना शुरू कर दिया है। आपके नश्वर अंगों में अब वचन कब्जा लेना शुरू कर दिया है। क्यों मालूम? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। शांति का परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है और कहता, वादा करता, मैं यीशु मसीह के दोबारा आने तक तुमको निर्दोष और पूरा पूरा बनाए रखूंगा। यदि पाप गुप्त अंदर पलता है तो आप निर्दोष रहेंगे क्या? इसका मतलब एक ऐसा स्टेज है जहां निर्दोष वर्ड आपके ऊपर आता है और वो स्टेज उपलब्ध है। प्रभु का वचन कह रहा, लेट्स बिलीव, प्रे अबाउट इट, प्रे, प्रार्थना करो इन चीजों के विषय में। ऐसे की जिंदगी मत जाने दो। प्रभु से कहो, लॉर्ड मुझे ये देखना है, प्रभु मुझे ये अनुभव करना है, ये अनुभव करना। इफिसियों 6:18 में लिखा है, लगातार प्रार्थना करते रहो। मत्ती 26:41 वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों ये वचन कहते हैं? इसलिए क्योंकि जब तू प्रार्थना करता है, खुदा की सामर्थ्य मूव होती है। प्रे अबाउट दैट एरिया, उस एरिया के लिए प्रार्थना करो। लास्ट पार्ट बताऊंगा, हमारा समय खत्म हो गया, बहुत सारी बातें कहने के लिए है, मगर सुनो, अपने लिए ऐसे आत्मिक मित्र को ढूंढो जिनसे इन एरिया के विषय में आप बात कर सकते हैं और आप उनसे कह सकते हैं, मेरे जीवन में इस भाग में मैं कमजोर था, मैंने उद्धार पा लिया हूं, मगर अब मुझे तेरी संगति की जरूरत है कि मैं दोबारा ना गिर सकूं। क्या कह रहा मैं आपको, सुनो, एक आत्मिक मित्र जो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके संग खड़ा होता है। वचन कहता है, जहां पृथ्वी पर दो लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं स्वर्ग से सुन लूंगा। वो एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करना जानता है, जो बदनाम नहीं करेगा, मगर आपके उस कमजोर क्षेत्र में प्रभु आपको संभाल के रखे इसके लिए प्रार्थना करेगा। जैसे पौलुस से कहता है, मैं हर प्रकार का यत्न करता हूं, मैं दर्द को तुम्हारे लिए उठाता हूं, जच्चा किसी पीड़ा को तुम्हारे लिए लेता हूं, कि जो परमेश्वर का काम तुम में शुरू हो गया किसी कारणवश वो खत्म ना हो, या किसी कारणवश तुम निशाने से ना हट जाए। जैसे हवा साधारण बातों से बहक गई, ऐसे में सोच चिंता करता हूं कि तुम भी संसार की इन खिंचाव से, साधारण बातों से बहक ना जाओ। सुनो, पौलुस की एक लगातार की प्रार्थना है, प्रभु मैं तुझसे विनती करता इन्हें संभाल के रखना। ऐसे लोग आत्मिक मित्र, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, धर्मी जन चुन के मित्र बनाता है। नाउ व्हेन यू आर राइटियस वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू से धुल चुके हो, तो अपने लिए आत्मिक मित्र बनाओ। फिर वो पीने वालों की संगति में मत जाओ, फिर वो व्यभिचार करने वालों की संगति में मत जाओ, वही जो आपको वेश्यालय में लेकर जाते उनके साथ दोबारा मत जाओ, वही क्रोधियों के माहौल में झगड़ा करने वालों की संगति में फिर से मत रहो, वही गुंडागर्दी के दोस्तों में फिर से रखो, मगर अपने लिए उसके विपरीत मित्रों को चुन लो। यदि आपको मालूम है कि मेरे स्वभाव में मैं जल्दी भड़क जाता, तो ऐसे लोगों की संगतियां करो जो जल्दी भड़कते नहीं है, क्योंकि लोहा लोहे को चमकाता है। प्रभु का वचन कहता है, संगतियां हमको शार्प करती हैं। अपने जीवन के किस एरिया में आप कमजोर है, उस कमजोर एरिया में बलवंत बनने के लिए जिनको परमेश्वर ने बलवंत किया है, उन लोगों की संगति करो, ताकि एक दूसरे के साथ मसीह की देह एक दूसरे को बल देते हुए कंप्लीट और पूर्ण होती चली जाए। मैंने आपको बहुत सारी बातें कही, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे इन बातों को समझने के प्रति,
अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप के रखो, गंभीरता से अपने लिए प्रार्थना करते रहो, अच्छे मित्र अपने आप के लिए चुन लो, वचन की घोषणा लगातार करते रहो, जीवन के कमजोर एरिया के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो, वचन पर विश्वास करो, अपने डिजायर्स को दुष्ट के थॉट्स के साथ मिलने मत दो, अपने थॉट्स को परमेश्वर के बोले हुए थॉट्स के साथ मिलने दो, ताकि दुष्ट की इच्छाएं लगे परमेश्वर की मर्जी आपके द्वारा जन्म ले सके। और जो युद्ध आत्मा और देह में चलता रहता है, ऐसे आपका आत्मा बहकने ना पाए, मगर आपका आत्मा जो विश करता है प्रभु के लिए जीने का, वो आपके जीवन के द्वारा पूरा हो सके। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे पिताजी लॉर्ड, आपके बच्चे जो सारी क्रिश्चियनिटी के रीति रिवाज को जानते हैं, चर्च के रिवाजों को जानते हैं, प्रार्थना के शब्दों को इस्तेमाल भी करना जानते हैं, आंखों को बंद करके हाथ उठाकर आराधना भी करना जानते हैं, उपवास भी करना जानते हैं, मगर भीतरी गुप्त पाप में स्ट्रगल कर रहे, लड़ रहे हैं। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता, ऐसे आपके बच्चों को जयवंत होने के लिए ये वचन गूदे गूदे को चीरता हुआ अंदर जाए। आज जो सुन रहे गए आपके बेटे बेटियां, चाहे बुजुर्ग गए, जवान गए, चाहे मैरिड गए, अनमैरिड गए, जवान गए, टीनेजर्स गए, मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड गिव देम विक्ट्री फादर, उन्हें जय दो लॉर्ड, और सारे फीलिंग्स उनके, सारे पिताजी सेंसेस उनके आपके ब्लड में क्लीन किए जाए। आज जो पश्चाताप कर रहे हैं उन्हें उद्धार मिलने पाए, यीशु के नाम से वे क्षमा कर दिए जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपको लगता है इस वचन की जरूरत आपके किसी मित्र को भी सुनने की है, जरूर इसको शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा रखती हूँ आज के इस वचन से आपने आशीष को पाया है। अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है या प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। इफ यू वुड लाइक टू बी अ फाइनेंशियल पार्टनर, आल्सो अ सीट इन आवर अकाउंट डिटेल्स आर आल्सो ऑन योर स्क्रीन। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।